नगर निगम की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का जखीरा बरामद किया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक रखे दुकानदारों से लाखों का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही अगली बार प्रतिबंधित प्लास्टिक पाए जाने पर दुकान सील करने की चेतावनी भी दी गई है। नगर पालिक निगम भिलाई की टीम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक पर शहर की कई दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में कई किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया तथा इसके बड़े पैमाने पर विक्रय करने वालों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। छापामार कार्रवाई में निगम की टीम को 4 दुकानों से प्रतिबंधित प्लास्टिक बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ। नगर निगम की टीम द्वारा सभी दुकानदारों से अलग अलग 1,30,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। नगर निगम की टीम द्वारा अमित प्लास्टिक को कई बार प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय नहीं करने की चेतावनी दी गई थी, किंतु दुकानदार द्वारा इसकी अनदेखी करने पर संस्थान में छापा मारकर जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। देखिए, प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर पालिक निगम भिलाई जो है माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर इसके लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है, जिसके तारतम्य में जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाई जो है नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा की गई है और लगभग 2.5 क्विंटल जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त करते हुए 4 लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। बड़े जो ऐसे निर्माता हैं, जो इसके बड़े विक्रेता हैं, होलसेलर, ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करते हुए कार्रवाई निगम ने प्रारंभ किया है और 4 लोगों से 1,30,000 रुपये जुर्माना वसूलने की कार्रवाई नगर पालिक निगम भिलाई ने की है। आम नागरिकों से, शहरवासियों से अपील है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। घर से बने हुए कपड़े के थैले या अन्य थैले जो बारंबार काम आते हैं, उपयोग में आते हैं, ऐसे उपयोगी चीज़ों का इस्तेमाल जो है घरेलू काम के लिए भी करें, ताकि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे पर्यावरण के नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक का हम बहिष्कार करें। गौरतलब है कि नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक लेकर प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत निगम की टीम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पर सख्ती से कार्रवाई करना आरम्भ कर दिया है, जिसे आगे भी लगातार जारी रखा जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।